सब कुछ पैसा कमाना और सेटल होना ये सब कुछ नहीं है ये, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं कि मैं पागल हो चुकी हूँ और मेरे लाइफ में इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हो सकता कि मैं वृंदावन धाम में हूँ। मुझे लगता है कि जैसे और लोग जो होते हैं, जैसे और रिलीजन के लोग होते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम्स, वो लोग कभी नहीं शर्माते हैं, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी हिंदुइज़्म पता नहीं क्यों वो लोग शर्माते हैं तिलक और कंठी पहनने में। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। कृष्ण की भक्ति और वृंदावन की लगन अगर किसी को लग जाए तो वह सब कुछ त्याग देता है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? ब्रज में कैसे आ गई? मैं बेसिकली प्रयागराज की रहने वाली हूँ और 2021 की बात है कि मैंने प्रयागराज से ब्रज में आने का फैसला लिया था। आप प्रयागराज में क्या करती थी? प्रयागराज में मेरी फैमिली है, बेसिकली मैं वहीं की हूँ, तो मैं अपना स्टडीज़ कर रही थी और ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जब लॉकडाउन का फेज़ आया था तो रामायण महाभारत दिखाते थे दूरदर्शन चैनल पे, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने अमोघ लीला प्रभु के वीडियोज़, अमरेन प्रभु के वीडियोज़ देखे, तो मुझे अचानक से एक मेरा बचपन से इंक्लिनेशन था लॉर्ड कृष्णा की तरफ, तो अचानक से मुझे भक्ति के थ्रू मैं इधर आई हूँ। पढ़ाई में आप क्या करती थी? पढ़ाई में मैंने ग्रेजुएशन, मैंने पहले साइंस लिया था, फिर कॉमर्स, एंड देन मुझे ISPCS की तैयारी करनी थी तो मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया था। ISPCS की तैयारी करनी थी, लेकिन ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये सब कुछ कैसे संभव हो गया? इसमें तो जिसको राधा रानी को भक्ति में लाना होता है वो ले ही आती हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज ब्रजधाम में हूँ और ब्रजधाम में राधा रानी की मर्ज़ी के बिना कोई रह ही नहीं सकता है। और जब मैंने वीडियोस देखे, मैंने इस्कॉन की फ़िलॉसफी को देखा, समझा, तो मैंने ये समझा कि सब कुछ पैसा कमाना और सेटल होना ये सब कुछ नहीं है, ये इससे और भी बहुत ज़्यादा कुछ जानने के लिए है। तो अभी मैं ब्रजधाम में हूँ और मैं सेवा कर रही हूँ मंदिर में, और मेरा मेन पर्पस यही है कि मुझे भगवान का नाम प्रचार करना है और सबको ये ज्ञान देना है ताकि सब लोग हैप्पीनेस, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, वो प्राप्त कर सकें। आप ISPCS IPS बन के भी सेवा कर सकती थी, जैसे आप यहाँ भगवान की सेवा कर रही हैं, वहाँ पर जनमानस की सेवा होती है। ऐसा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों में कि माधव सेवा ही मानव सेवा है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि माधव सेवा है, मानव सेवा मानव सेवा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मानव सेवा के बेस पे वो लोगों को नशीले पदार्थ भी देते हैं कि मानव सेवा हो रही है, या नॉनवेज खिलाते हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट। और माधव सेवा अनन्य भाव से जो कृष्ण की सेवा करता है उसकी तो गति ही अलग होती है, तो दिस इज़ अ फॉल्स कॉन्सेप्ट, जो माधव सेवा ही मानव सेवा होती है, ये गलत है। घर वालों ने आपके ने नहीं कहा कि आप तो ISPCS बनने वाले, IPS बनने वाले, लेकिन क्यों जा रही हो वृंदावन? मैंने अपने घर में जब मैंने इस बात को रखा था तो मैंने उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि पूरी दुनिया लोगों को मटेरियल जॉब के लिए बाहर भेजती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भी करना था फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स, तो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाने के लिए मुझे पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया था, लेकिन जब मैंने बोला कि मुझे स्पिरिचुअल पर्पज़ के लिए वृंदावन धाम में जाना है तो उन्हें भी लगा कि हाँ ये बात सही है, तो फिर मैंने ये पॉइंट रखा था, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहती थी आप? फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहती थी। क्या करती हैं आप? इसके बाद जैसे फॉरेन एम्बेसीज होती हैं तो उसमें ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर का जॉब्स होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होते हैं, तो मुझे ये करना था। आपकी उम्र की लड़कियां कुछ अलग स्टाइल में रहती हैं, आप साड़ी में सिंपल, तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है? ये शौक एक्चुअली जब हम किसी फिलॉसफी के अंदर होते हैं, फिलॉसफी को समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर साड़ी पहनना या धोती कुर्ता पहनना क्यों आवश्यक है। तो जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, तो उनका कहना है कि एक स्त्री का गहना होता है उसका लाज लज्जा, और साड़ी पहनने से सबसे ज़्यादा स्त्री एक खूबसूरत लगती है, और आजकल जो भी जीन्स, फटी हुई जीन्स, क्या क्या नहीं चल रहा है, सो मुझे ये पहनने में बहुत गर्व महसूस होता है। ये हमारे इस्कॉन का ड्रेस है, धोती कुर्ता पुरुषों के लिए और साड़ियाँ माता जी के लिए। और आप, जैसे मैंने पता किया कि आप भागवत भी गीता भी सीखती हैं, तो समझ में आता सब कुछ? जी, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी प्रमाणिक गुरु के अंदर में जाएँ, क्योंकि हम लोग की बद्धजीव की जो मैंटेलिटी है विद्या से पूरा फुल है, तो खुद से नहीं इतना समझ में आएगा, सो वी हैव टू गेट अ गुरु जो कि प्रमाणिक हो, जो कि परंपरा में हो,
तो यस, मैं भगवद गीता और श्रीमद भागवतम की क्लासेस भी कर रही हूँ। आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, तो वो तैयारी कर रहे होंगे, तो वो आपसे नहीं कहते कि अरे कहाँ चली गई हो आप, तो यहाँ पर ही तैयारी करनी चाहिए थी आपको? जी ऐसा बहुत होता है एक्चुअली। मुझे पहले तो कॉल्स भी आते थे मेरे फ्रेंड्स के, लेकिन अब तो कॉल्स भी आना बंद हो गए हैं क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं कि मैं पागल हो चुकी हूँ। सो लिविंग असाइड दिस, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। सो लेकिन हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी प्रीच करती रहूँ, और काफ़ी हद तक मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, तो आई एम हैप्पी कि वो भी चैंट करना शुरू कर रहे हैं। आगे का क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य, मेरी लाइफ का बस यही उद्देश्य है कि मुझे प्रचार करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। और जितना हो सकेगा मेरी टिल माई लास्ट ब्रेथ मैं अपने गुरु महाराज का मिशन पे, अपने एक जस्ट लाइक अ टाइनी सोल्जर, मैं भी सहयोग करना चाहती हूँ और मैं प्रचार करना चाहती हूँ। तो आपका खर्चा कैसे चलता है? अभी फ़िलहाल मेरी फैमिली है तो मैं उन्हीं के थ्रू अपना खर्चा चला रही हूँ, लेकिन फिर राधा रानी जो चाहेंगी, जैसी इच्छा होगी उनकी। आपके जीवन में कोई ऐसा कोई चमत्कार हुआ हो? देखिए ऐसा नहीं मैं कह सकती हूँ कि कृष्णा कॉन्शियस जो हो जाता है उसके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होते हैं, क्योंकि हर जगह स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स मैंने भी फेस किए हैं, वृंदावन धाम में आकर बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं। लेकिन चमत्कार मेरे नज़रों में चमत्कार यही है कि आज मैं अभी भी जब माला के साथ में हूँ और मैं खुश हूँ और मैं वृंदावन धाम में हूँ, और मेरे लाइफ में इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हो सकता कि मैं वृंदावन धाम में हूँ। चंदन लगा के आप ये माथे पर जाते हैं कभी प्रयागराज दोस्तों से मिलने या कुछ होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे और लोग जो होते हैं, जैसे और रिलीजन के लोग होते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम्स, वो लोग कभी नहीं शर्माते हैं, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी हिंदुइज़्म, पता नहीं क्यों वो लोग शर्माते हैं तिलक और कंठी पहनने में। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही एक मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, लोग अपना अगर जीन्स और टॉप पहनना नहीं छोड़ें तो आप अच्छा जो कि तिलक और कंठी है वो भी पहनना मत छोड़िए। तो लगातार यही रहेगा आपका? जी मेरा यही लगातार रहेगा, और आई होप कि राधा रानी मुझे हमेशा ब्रजधाम वास दें। देखिए भगवान श्री कृष्ण को कोई अपना भाई मानता है, जब ब्रज में आ जाता है तो कोई अपना पिता मानता है, तो आप क्या मानती हैं उन्हें? इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन हाँ ऑब्वियसली हम रूपानुगम भक्त हैं, तो हम जो अल्टीमेट होता है माधुर्य रस, हम वैसे ही उसी को अंडर में फॉलो करते हैं, जो कि हमारे आचार्यों ने भी बोला है कि गोपी भाव सबसे उच्च भाव है। तो हम गोपी भाव का तो अभी एक कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हाँ तैयारी चल रही है, जब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो भाव भी दे देंगे। हरे कृष्णा राधे राधे, राधे राधे हरे कृष्ण। देखिए अब तक हमारे साथ नहीं ये भक्त जिनका कहना है कि आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रही थी लेकिन उसमें मन नहीं लगा, और लॉकडाउन के दौरान ब्रज में यहाँ पर आ गई, और कृष्णा से इतना लगाव हुआ कि सब कुछ त्याग कर आज ब्रज में ही हैं और ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। राधे राधे।